हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको क्लास फर्स्ट का लेसन फाइव के बारे में बताएंगे। लेसन फाइव है द थर्स्टी फॉक्स। द थर्स्टी मीन्स प्यासा, फॉक्स माने लोमड़ी। द थर्स्टी फॉक्स, प्यासी लोमड़ी। अबाउट द चैप्टर, अबाउट बारे में, द चैप्टर इस अध्याय के, अबाउट द चैप्टर इस अध्याय के बारे में। दिस लेसन इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स। दिस या लेसन पार्ट इज है अ स्टोरी, एक कहानी, अबाउट बारे में, अ क्लेवर, क्लेवर मीन चालाक या चतुर, फॉक्स लोमड़ी। दिस लेसन इज अ स्टोरी अबाउट अ क्लेवर फॉक्स। यह पार्ट एक चालाक लोमड़ी के बारे में एक कहानी है। ही वॉज थर्स्टी एंड फाउंड अ वेल। ही वह वाज थी थर्स्टी प्यासी, एंड और फाउंड पाया, खोजा, अ वेल एक कुआं। ही वॉज थर्स्टी वह प्यासी थी, एंड फाउंड अ वेल और एक कुआं खोजा। नाउ रीड द स्टोरी टू नो वाट हैपेंड नेक्स्ट। नाउ अब रीड पढ़ते हैं द स्टोरी, कहानी को, टू नो जानने के लिए, वाट क्या हैपेंड हुआ नेक्स्ट आगे। नाउ रीड द स्टोरी टू नो वाट हैपेंड नेक्स्ट। अब आगे क्या हुआ यह जानने के लिए कहानी को पढ़ते हैं। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। द सन सूरज वाज था शाइनिंग चमक रहा, ब्राइटली माने तेज। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज बहुत तेज चमक रहा था या तेजी से चमक रहा था। इट वाज वेरी हॉट, इट माने यह, वाज माने था वेरी बहुत, हॉट गर्म गर्मी। इट वाज वेरी हॉट, गर्मी बहुत थी। अ फॉक्स वाज फीलिंग वेरी थर्स्टी। अ फॉक्स लोमड़ी वाज थी फीलिंग महसूस कर रही थी वेरी बहुत थर्स्टी प्यासी। अ फॉक्स वाज फीलिंग वेरी थर्स्टी, लोमड़ी बहुत प्यासी महसूस कर रही थी, यानी मुझे बहुत प्यास लगी है। ही वंडर्ड इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। ही वह वंडर्ड घूम रही थी इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च खोज में, ऑफ वाटर पानी की। ही वंडर्ड इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, वह जंगल में पानी की खोज में घूम रही थी। बट ही डिड नॉट गेट वाटर, बट लेकिन ही उसे डिड नॉट गेट नहीं मिला वाटर पानी। बट ही डिड नॉट गेट वाटर, लेकिन उसे पानी नहीं मिला। देन ही डिसाइडेड टू गो बैक। देन फिर ही उसने डिसाइडेड फैसला किया टू गो बैक वापस जाने का। देन ही डिसाइडेड टू गो बैक, फिर उसने वापस जाने का फैसला किया। When he was going back, when जब ही वह वाज थी going जा रही back वापस, जब when he was going back जब वह वापस जा रही थी। He saw a well, he माने उसने, saw देखा, a well एक कुआं। He saw a well, उसने एक कुआं देखा। There was water in the well, there was था water पानी, इन द वेल कुएं में, दियर वाज वाटर इन द वेल कुएं में पानी था। द फॉक्स डीव्ड इन टू द वेल, द फॉक्स लोमड़ी, डीव्ड मतलब कूदना, इन टू द वेल कुएं में, द फॉक्स डीव्ड इन टू द वेल, लोमड़ी कुएं में कूद गई। ही ड्रैंक वाटर एंड क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। ही वह ड्रैंक पिया वाटर पानी, एंड और क्वेंच्ड बुझाई हिज अपनी थर्स्ट प्यास। ही ड्रैंक वाटर एंड
क्वेंच्ड हिज थर्स्ट, उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। बट ही कुड नॉट कम आउट ऑफ इट, बट लेकिन ही वह कुड नॉट नहीं कम आना आउट बाहर ऑफ इट इसमें से, इट मतलब यूज हुआ है कुएं के लिए, बट ही कुड नॉट कम आउट ऑफ इट, लेकिन वह इसके बाहर नहीं आ सकी। इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम इस बुरे समय में, आ पुअर गोट केम देयर एंड पीप्ड इनटू द बेल। आ पुअर, पुअर का मतलब यहाँ यूज हुआ है बेचारा। आ पुअर गोट केम देयर, गोट मीन्स बकरी, केम आई देयर वहाँ, एंड और पीप्ड झांका इनटू द बेल कुएं में। आ पुअर गोट केम देयर एंड पीप्ड इनटू द बेल, एक बकरी वहाँ आई और कुएं में झांकी। ब्रदर फॉक्स इज द वाटर कोल्ड एंड स्वीट, ब्रदर फॉक्स, ब्रदर मीन्स भाई, फॉक्स लोमड़ी, लोमड़ी भाई, इज है, तो सबसे पहले इज है तो यहाँ इसका अर्थ होगा क्या। द वाटर पानी, कोल्ड ठंडा या शीतल, एंड और स्वीट मीठा, लोमड़ी भाई क्या पानी ठंडा और मीठा है। द गोट आस्क्ड, द गोट बकरी ने आस्क्ड पूछा, द गोट आस्क्ड बकरी ने पूछा। द गोट आस्क्ड बकरी ने पूछा, यस हाँ, इट इज कोल्ड एंड स्वीट, इट या इज है कोल्ड ठंडा, एंड और स्वीट मीठा, या ठंडा और मीठा है। कम एंड ड्रिंक इट्स वाटर, कम आओ एंड आओ ड्रिंक पियो इट्स वाटर इसके पानी को। रिप्लाइड उत्तर दिया द फॉक्स लोमड़ी ने, कम एंड ड्रिंक इट्स वाटर आओ और इसके पानी को पियो। रिप्लाइड द फॉक्स लोमड़ी ने उत्तर दिया। द गोट डिव्ड इंटू द बेल, द गोट बकरी ने डिव्ड कूद गई इंटू द बेल कुएं में। द गोट डिव्ड इंटू द बेल, बकरी कुएं में कूद गई। द फॉक्स पुट हर हाइंड लेग्स ऑन द गोट्स बैक एंड जम्प्ड आउट ऑफ द बेल। द फॉक्स लोमड़ी पुट रखा हर अपना हाइंड पिछला लेग्स पैर ऑन द गोट्स बैक बकरी की पीठ पर, एंड और जम्प्ड कूद आई आउट ऑफ द बेल कुएं के बाहर। द फॉक्स पुट हर हाइंड लेग्स ऑन द गोट्स बैक एंड जम्प्ड आउट ऑफ द बेल, लोमड़ी ने अपना पिछला पैर बकरी की पीठ पर रखा और कुएं के बाहर कूद आई। हाँ बच्चों, अब मैंने आपको जो है इस पार्ट की हिंदी मीनिंग बता दी, अब आप लोग देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। द डॉट डॉट वंडर्ड इन द फॉरेस्ट, द वंडर्ड घूम रही थी इन द फॉरेस्ट, जंगल में घूम रही थी। फॉक्स रैबिट द गोट, यानी लोमड़ी रैबिट खरगोश, द गोट बकरी, तो क्या इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा फॉक्स। द फॉक्स वंडर्ड इन द फॉरेस्ट, तो फॉक्स लोमड़ी जंगल में घूम रही थी, तो यहाँ पे आपको फिर जो टिक कर देना है फॉक्स पर। सेकंड क्वेश्चन, द फॉक्स सा आ, द फॉक्स सा आ, लोमड़ी ने देखा, लोमड़ी ने क्या देखा, रिवर एक नदी, पांड तालाब, वेल कुआं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा वेल। द फॉक्स सा वेल, लोमड़ी ने कुआं देखा। थर्ड ऑप्शन, द डॉट डॉट डिब इनटू द बेल, डिब कूद गई इनटू द बेल कुएं में, यानी फॉक्स लोमड़ी गोट बकरी, नन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फॉक्स, द फॉक्स डिप इनटू द बेल, तो यहाँ पे
फॉक्स जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, इस पर टिक कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे बकरी भी कूदी थी लेकिन बकरी बाद में कुएं में कूदी थी, इसलिए जो पहला ऑप्शन होगा, पहले कौन कुएं में कूदा था? लोमड़ी है, तो इसलिए पहले हम भरेंगे द फॉक्स डिप इन टू द वेल, तो लोमड़ी। क्वेश्चन बी देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरिए। इट वॉज वेरी डॉट डॉट, तो इट वॉज बेरी, इट वॉज बेरी, तो क्या होगा? इट वॉज बेरी हॉट, यहाँ क्या भर दिया जाएगा आपका? हॉट भर दिया जाएगा। तो यह बहुत गर्म था, इसका मीन्स क्या हो गया? बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। फिर सेकेंड, देन ही डॉट डॉट टू गो बैक, फिर उसने वापस जाने का क्या किया? तो क्या भर दिया जाएगा? डिसाइडेड, फिर वह वापस जाने का फैसला किया। जब उसको पानी नहीं मिला लोमड़ी को, तब उसने फैसला किया कि अब वापस चलना चाहिए। थर्ड, द फॉक्स डीप्ड, द फॉक्स डॉट डॉट इन टू द वेल, लोमड़ी इन टू द वेल, कुएं में, तो लोमड़ी कुएं में क्या किया? डीप्ड, कूद गई, तो द फॉक्स डीप्ड इन टू द वेल, क्या भर जाएगा? डीप्ड। फोर, द गोट डॉट डॉट इन टू द वेल, तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? द गोट डीप इन टू द वेल, बकरी भी कुएं में कूद गई। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन एक है, हु वाज फीलिंग वेरी थर्स्टी, हु माने कौन, वाज था, फीलिंग महसूस कर रहा, वेरी बहुत, थर्स्टी प्यासा, कौन बहुत प्यासा महसूस कर रहा था? तो आंसर क्या होगा? फॉक्स, फॉक्स वाज फीलिंग वेरी थर्स्टी, क्योंकि लोमड़ी यानी हु के प्लेस पे आपको फॉक्स लिख देना है, क्योंकि उसमें पूछा गया है कौन बहुत प्यासा महसूस कर रहा था, तो आंसर में हो जाएगा फॉक्स, तो हु के प्लेस पे फॉक्स, उसके बाद इस क्वेश्चन को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फॉक्स वाज फीलिंग वेरी थर्स्टी, लोमड़ी बहुत प्यासी महसूस कर रही थी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द फॉक्स डिसाइड, व्हाट माने क्या, डिड द फॉक्स, लोमड़ी ने डिसाइड, निश्चय किया, फैसला किया, लोमड़ी ने क्या फैसला किया? तो आंसर होगा द फॉक्स डिसाइडेड टू गो बैक, लोमड़ी ने वापस जाने का निश्चय किया। जब लोमड़ी को पानी नहीं मिला जंगल में, तो उसने वापस जाने का निश्चय किया, तो इसका आंसर हो जाएगा द फॉक्स डिसाइडेड टू गो बैक, लोमड़ी ने वापस जाने का फैसला किया। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, व्हाट डिड द गोट आस्क टू द फॉक्स, व्हाट माने क्या, द गोट बकरी ने आस्क पूछा टू द फॉक्स, तो बकरी ने लोमड़ी से क्या पूछा? तो कहानी में बताया गया, बकरी ने लोमड़ी से पूछा, लोमड़ी भाई क्या पानी ठंडा और मीठा है? तो आंसर क्या होगा? द गोट आस्ड ब्रदर फॉक्स इज द वाटर कोल्ड एंड स्वीट, तो पूछा इसमें इज वाटर कोल्ड एंड स्वीट, तो बकरी ने पूछा लोमड़ी भाई क्या पानी ठंडा और मीठा है। क्वेश्चन देखते हैं फोर, क्वेश्चन फोर है, हाउ डिड द फॉक्स कम आउट ऑफ द बेल, हाउ कैसे डिड द फॉक्स लोमड़ी कम आई आउट बाहर ऑफ द बेल कुएं से, हाउ डिड द फॉक्स कम आउट ऑफ द बेल, लोमड़ी बाहर कैसे आई? तो इसका आंसर हुआ यहाँ पे देखिए आपका आंसर फोर, द फॉक्स पुट हर हाइंड लेग्स ऑन द गोट्स बैक एंड जंप्ड आउट ऑफ द बेल, लोमड़ी ने अपने पिछले पैरों को बकरी की पीठ पर रखा और कूदकर कुएं से बाहर आ गई। थैंक यू बच्चों, आज बस इतना ही आपके लिए, इसको आप लोग पढ़िए, धन्यवाद।